जो कि नॉक किए जाएंगे। क्लच के हाथ में एक प्यारा सा ग्रेनेड रहने वाला गॉडल के एस्कोबर। चलिए फाइनली उनकी फाइट देखने के लिए मिलने वाली। एक खिलाड़ी को नॉक एंड कंफर्म किया जा चुका है। एस्कोबर को भी फिलहाल के लिए अभी के लिए टेक डाउन की जगह आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर। एक खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, ईएम के खिलाड़ी वेल उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। सभी तरह क्या वो नॉक निकाल पाएंगे? चलिए ट्राई लगातार करें। हाथ में डीपीएस लेके दो शॉट मारे गए, सिंगल शॉट अभी के लिए कनेक्ट नहीं करने वाला दोबारा। चलिए फाइनली जाके अभी के लिए सबितार वो कनेक्ट करेंगे, जिसके चलते इस फाइट में कहीं ना कहीं टीम गॉडलेग दोबारा से वापसी करने वाली है। नियो की अगर मैं बात करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से नियो भी ट्राई कर रहे हैं लगातार। एक खिलाड़ी जो कि काफी क्रूशियल खिलाड़ी फ्रॉम द टीम गॉडलेग, जो कि एस्पावर जिनको नॉक किया गया था, उनको आई थिंक यहाँ पे रिवाइव देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। बिकॉज अगर यहाँ पे एस्पावर खत्म हो जाते हैं, उन्होंने ओके यहाँ पे जो फ्यूजन उनके द्वारा एस्पावर को नॉक रिवाइव मिला था, जस्ट रिवाइव मिलने के बाद दोबारा से नॉक किया जाएगा। सिक्स पे फ्यूजन को भी खत्म किया जाएगा और दो फिनिश अभी सबितार के पास आने वाले हैं। एस्पावर एक फिनिश और निकालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे नियो एक स्कूल का जो एरिया रहने वाला वो अभी भी यहाँ पे नो वैकेंट रहेगा। यहाँ पे रूइंस के एरिया की तरफ वहाँ पे जो फाइट चल रही थी वो अभी भी चल रही है, बट इसी बीच यहाँ पर नियो यहाँ पे काफी आगे आएंगे, एक टेकडाउन देखने के लिए मिलने वाला। चलिए डीकॉन भी आगे की तरफ जाने वाले। एक खिलाड़ी नियो नॉक हुए, एस्पावर बिल्कुल भी चाहते होंगे कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो नॉक हो, बट एक जो नॉक निकाला है चाहेंगे उनको कंफर्म करें। बाटले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, हाथ में यूएमपी 45 लेके, काफी आसान नहीं होने वाला। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, स्पॉट किए जाएंगे, डैमेज ज्यादा करने वाले, इवेंचुअली नॉक किए जाएंगे सीगॉट के हाथों से। एक प्यारा सा टेकडाउन देखने के लिए उसके साथ। चलिए चलिए सर्वनाश हो जाएगा लगातार, दूसरी टीम गॉडलाइक के हाथों से खत्म की जाएगी। एंड दिस इज गोना बी इरंगल मैच, और इरंगल मैच मुझे लगता है टीम गॉडलाइक लुक्स लाइक गॉड ऑफ बीजी रहने वाले जैकॉट के साथ। दो और खिलाड़ी राइट हैंड साइड में, वेल वो भी काफी बढ़िया तरीके से यहां पे देखने के लिए मिलने वाले। अभी भी यहां पे गॉडलेग को इंतजार कर रहे हैं, बट इसी बीच एक और खिलाड़ी जो जीगॉट अगेन उनको नॉक किया जाएगा। देखिए जीगॉट काफी बार नॉक हो रहे हैं, बट गॉडलेग जिस तरीके से खेल रही है अपने एक भी खिलाड़ी को यहां पे वो कंफर्म नहीं होने दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दे आर प्लेइंग यू नो कामली यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे न्यूमन सवितार उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट लिया। चलिए एक सरप्राइज अटैक पड़ने वाला है, पड़ने वाला है। चलिए यहाँ पे पार्टी सेट को नॉक किया जाएगा, साथ ही साथ ऑलमोस्ट कंफर्म उन्होंने कर दिया था, बट इसी बीच यहाँ पे रिटेलिएशन टेकडाउन यहाँ पे सवितार को भी पड़ने वाला है। तीन खिलाड़ी पीछे से क्या आएंगे, क्या एस्पावर यहाँ पे दोबारा से वो सुपर पावर मोड में जाएंगे? बिकॉज अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है रेचक्स के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बट सुपर पावर मोड वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे शांत रहने वाला। बिकॉज राइट हैंड साइड पे जाएंगे, पहले न्यूमैन सबितार को खड़ा करना चाहेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे सबितार खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है गेम में काफी बढ़िया तरीके से वापसी कर सकते हैं, बट जैरो कोट ऑलरेडी काफी आगे है और एस्पावर भी आ चुके हैं, तो वन वन की फाइट हो सकती है जैरो कोट के साथ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हाथ में उतरते ही डीपीएस रहने वाली, डीपीएस क्या कनेक्ट होने वाली, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते आगे के तरफ कदम यहाँ पे एस्पावर के पीछे से जी बिल्कुल बी की तरफ से कवर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैरो साइड पे जाएंगे, ट्राई कर रहे हैं एस्पावर, अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं किया था। चलिए उनका ट्राई होगा और रिचक्स का समापन होगा। एक खिलाड़ी वेल चलिए वो कंफर्म किया जाएंगे, जी गॉट उनके थ्रोबल्स, उनके डीबीएस कनेक्शन, उनके एम फोर, उनके यूएमपी 45 आई थिंक, जी बिल्कुल यहाँ पे यूएमपी 45, हर एक चीज काफी सही ठिकाने पे हिट होती है और आज भी वही चीज देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पे दो प्यारे से फिनिशर जो कि देखने के लिए मिले और मुझे लगता है यहाँ पर रिचक्स जल्द ही इस गेम से बाहर जाती हुई नजर आ सकती है और टीम गॉड लाइक लगातार वो तीसरी टीम को एलिमिनेट करेगी। हाथ में चार ग्रेनेड, वेल देखिए क्या वो ग्रेनेड जाते हैं, क्या वो थ्रोवल जाते हैं, क्या वो हिट करने वाले हैं। चलिए फाइनली ग्रेनेड की अगर मैं बात करूँगा आगे की तरफ देखा जाएगा, अभी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ने वाली है। स्पॉट नहीं किया था, अभी ट्राई करेंगे। चलिए फाइनली क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स को काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वो स्पॉट करते हैं, अभी के लिए वो नहीं करने वाला है। इट्स गोना बी 1v4 की फाइट, यहाँ पे मैक्स स्टार के लिए आसान नहीं रहेगा समा अगर यहाँ पे एस्पावर आगे की तरफ आते हैं, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं काफी ज्यादा आगे और लगातार यहाँ पे थ्रोवर्स के यूज किया जा रहा है। क्या वो ग्रेनेड हो सकता है? चलिए ये फेंका जाएगा, ओके डैमेज नहीं पड़ने वाला, बाहर की तरफ निकल गए थे। चलिए वो अंदर की तरफ जाएंगे, दो और खिलाड़ी जाएंगे। चलिए इसी के साथ अब एक खिलाड़ी को नॉक किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा, दूसरे खिलाड़ी को भी नॉक किया जाएगा, बट जाते हैं
सितार को वो लेके जाएंगे। एस पावर को कंफर्म नहीं कर पाए, बट बैक टू बैक दो खिलाड़ियों को काफी खूबसूरती के साथ उन्होंने नॉक निकाला था। एंड जो एस पावर को नॉक निकाला गया था, नाइस ट्राई, बहुत बढ़िया टेक डाउन उन्होंने दिया। सबितार जो कि एक अलग ही फॉर्म में चल रहे थे, सबितार एक अलग ही लीग में चल रहे थे, फाइनली उनको कंफर्म किया जाएगा। बाकी तीन खिलाड़ी, थ्री मैन स्टैंडिंग टीम में था, 16 फिनिशेज जो अभी भी रहने वाले हैं। सबितार चलिए अब उनकी बात छोड़िए, अब इन तीन प्लेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए। जी गॉड एस पावर के साथ जो न्यू है वेल, वो देखने के लिए मिलने वाले। थ्री मैन स्टैंडिंग टीम में तो 16 फिनिशेज, नो डाउट नंबर ऑफ फिनिशेज काफी बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। एस पावर की अगर बात करेंगे, चलिए यहाँ पे एक और खिलाड़ी को नॉक एंड कंफर्म किया जाएगा जो नाइस गॉड रहने वाले, रिक्की गॉड उनको भी कंफर्म किया जाएगा। 17 फिनिश है जो टीम गॉड लाइक निकाल के खेल रही है। नो डाउट एक ऐसा लीग बना दिया, एक ऐसा स्टेज अपने खुद के लिए क्रिएट कर लिया जहां तक मुझे लगता है कोई टीम उनके आसपास में भी नहीं है। हैव गॉड लाइक दे नोस वेरी वेलकम और किस तरीके से यहां पे फाइट में अटेंड करना है। नियो के द्वारा फाइनली एक और खिलाड़ी को नॉक किया जाएगा। पहले खिलाड़ी रहने वाले नियो के साथ साथ एस पावर और जी गॉड, तीनों के तीनों खिलाड़ी काफी बढ़िया खेल रहे हैं। बेसिकली सबका की खत्म होने के बाद, सबका की फिनिश होने के बाद इस बार स्पॉट किया जाएगा। डैमेज अब जी गॉड से पड़ने वाले, क्या वो नॉक निकाला जा सकता है? चलिए ही वाज ट्राइंग अ लॉट, बट जो नॉक चाहते थे वो अभी के लिए नहीं मिलने वाला। जी गॉड दोबारा से नॉक चाहते हैं, अगेन वहाँ पे नॉक किया जाएगा, बट नियो वहाँ पे सिक्स के वो प्यारे से ग्रेनेड से टेक डाउन हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे कंपाउंड के और चाहेंगे कि उनको रिवाइव मिले, बट एस पावर चलिए सुपर पावर मोड, एक खिलाड़ी को, दो खिलाड़ी को, दो खिलाड़ी को हो जाएंगे, एक और खिलाड़ी को अभी भी बाकी रहने वाले हैं। डब्ल्यू उनको भी काफी ज्यादा डैमेज कीजिएगा, पांच प्यारे से फिनिशेस है वेल जो कि निकाले जा चुके हैं अभी भी यहाँ पे। अगर वो नियो को बचा लिया जाएगा, 20 फिनिश निकाल के टीम गॉड नहीं खेली, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ और फिनिशेस डेफिनेटली वांट कि वो निकाल पाए, बिकॉज 15 प्यारे से आपको प्लेयर अभी भी देखने के लिए मिलने वाला है जिसमें से 10 फिनिशेस वेल निकाल सकते हैं। बट प्यारा सा ग्रेनेड, इट वाज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ श्राउड और उस ग्रेनेड यहाँ पे एस पावर, चलिए वहाँ पे दूसरे खिलाड़ी उनको भी खत्म किया जाएगा। नियो के साथ अब टीम गॉड लाइक वेल वो भी खत्म हो जाएगी। जी गॉड वो आखिरी खिलाड़ी थे फ्रॉम द टीम।